Hello, good morning students. Welcome to the English class. In the next lesson of the book Snapshots. The name of the lesson is Birth, written by A.J. Cronin. Okay. Now about the text about the lesson. In this excerpt from the citadel, and you mention newly out of Medical school has been had just begun his medical practice as an assistant to Dr. Edward Pace in the small Welsh mining town of Blenley. In this excerpt, excerpt part of the big book from Citadel, it means this lesson has been taken from the big play The Citadel. And you mentioned newly out of medical school. हु इज एंड यू मैंशन एंड यू मैंशन इज ई डॉक्टर हुज जस्ट पासड हीज मेडिकल एग्जाम हैज जस्ट बिगिन इज मेडिकल प्रैक्टिस ही हैज़ स्टार्टिड हिज मेडिकल प्रैक्टिस एज एन असिस्टेंट टू एडवर्ड पेज ही हैज़ स्टार्टेड इज मेडिकल प्रैक्टिस एज एन असिस्टेंट उसने असिस्टेंट के रूप में मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की है इन द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर एडवर्ड पेज डॉक्टर एडवर्ड पेज का वो असिस्टेंट बन गए हैं इन द स्मॉल वेल्स माइनिंग टाउन ऑफ ब्लैनली और कहाँ पर जगह कौन सी है जो ब्लेंली का जो टाउन है एक स्मॉल वेल्स टाउन है टाउन का नाम वेल्स है एक माइनिंग टाउन है और ब्लेंली मेन सिटी है मेन सिटी के अंदर ये वेल्स जो है ये एक छोटा टाउन है यहाँ As he is returning from a disappointing evening with Christine, the girl he loves, he is met by Joe Morgan. अब क्या होता है कि एक शाम को he is returning from a disappointing evening. शाम को वो घर लौट रहा है और वो अपनी beloved Christine से मिलकर आया है. The girl he loves. जिस लड़की से वो प्यार करता है उस लड़की से मिलकर आया है लड़की का नाम क्रिस्टाइन है और ये एक डिसपॉइंटिंग इवनिंग थी ये शाम जो है निराशाजनक शाम रही उसकी मीटिंग उसकी ब्लाउड के साथ एक निराशाजनक रही है डिसपॉइंटिंग रही है प्लेजेंट इवनिंग नहीं रही है ही इज मेट बाय जो मॉर्गन जब वो घर आता है तो जो मॉर्गन उसे मिलता है जो मॉर्गन कौन है जो मॉर्गन जो है एक माइनर है माइंड में काम करने वाला आदमी है एक शर्मिक है एक लेबरर है जो एंड हिज़ वाइफ हु हैव बीन मैरिड नियरली ट्वेंटी इयर्स, जो और उसकी पत्नी जिनकी शादी को पच्चीस साल हो गए हैं ट्वेंटी सॉरी बीस साल हो गए हैं आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड अब उसकी पत्नी को पहला बच्चा होने वाला है यानी कि शादी को बीस साल हो गए हैं और बीस साल के बाद उसकी जो वाइफ है वो सी इज़ गोइंग टू बर्थे चाइल्ड वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है तो केस जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है और दिस केस रिक्वायर्स ए डॉक्टर्स हेल्प इस केस में डॉक्टर की हेल्प की जरूरत है तो देखिए किस तरह से ये केस जो है डॉक्टर एंड्रू मेंशन का जो लाइफ है उसका जो करियर है उसको एकदम चेंज कंप्लीटली चेंज कर देता है यस yes. देखिए अब लेशन दो तो ही वॉज नियरली इट वॉज़ नीयरली मिड नाइट यदपि आधी रात हो गई थी एन एंड्रू रीच्ड ब्रैंगोवर जब एंड्रू एंड्री कौन है फिर से बता देता हूँ एंड्रू मैंसन डॉक्टर है जब डॉक्टर एंड्रू मैं मैंसन ब्रैंगोवर जो टाउन का नाम है यहाँ पहुँचा ही फाउंड जो मॉर्गन वेटिंग फॉर हिम तो उसने देखा कि जो मॉर्गन जो एक ड्रिलर है जो एक माइन में काम करने वाला सर्मी का वो उसका इंतजार कर रहा था वॉकिंग अप एंड डाउन विद शॉर्ट स्टेप्स बिटवीन द क्लोज सर्जरी एंड द एंट्रेंस टू द हाउस तो जो मॉर्गन जो है वॉकिंग अप एंड डाउन चहलकदमी कर रहा था इधर से उधर ट्वेंट फ्रो एयर एंड देयर इधर उधर घूम रहा था विद अ शॉर्ट स्टेप छोटे छोटे कदमों से बिटवीन द क्लोज सर्जरी जो हॉस्पिटल था जो कि बंद था एंड द एंट्रेंस टू द हाउस और जो घर था डॉक्टर का तो हॉस्पिटल और घर एंट्रेंस के बीच में वो चहल चहलकदमी कर रहा था इधर उधर वॉकिंग अप एंड डाउन कर रहा था क्योंकि वो डॉक्टर को बुलाने के लिए आया था उसकी मिसेज को उसकी वाइफ को बच्चा होने वाला था और उसमें डॉक्टर की हेल्प की जरूरत थी तो वो डॉक्टर को लेने आया था कौन से डॉक्टर को डॉक्टर एंड्रू मैंसन को ऑल दिस एट द साइट ऑफ हिम द बर्ली फेस एक्सप्रेस रिलीफ जैसे ही जो मॉर्गन ने डॉक्टर को देखा एट द साइट ऑफ हिम इसका मतलब उसे देखते ही किसे रही डॉक्टर को देखते हुए द बर्ली हैवी जो मोटा था ड्रिलर जो एक माइन में ड्रिलर का काम करता था फेस एक्सप्रेस रिलीफ उसके चेहरे पर रिलीफ चैन के राहत के कंफर्ट के जो एक्सप्रेशन जो हैं भाव जो है आ गए एंड डॉक्टर आई एम ग्लैड टू सी यू और जैसे ही डॉक्टर नज़दीक आया तो उसने कहा डॉक्टर मैं आपको देखकर बड़ा खुश हूँ आई हैव बीन बैक एंड फॉरवर्ड हेयर दिस लास्ट आवर मैं पिछले एक घंटे से यहाँ इधर उधर घूम रहा हूँ द मेसेज वांट्स ये बिफोर टाइम टू द मेसेज वांट्स ये तो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है क्योंकि ये क्या है कि ड्रिलर है तो ड्रिलर का जो प्रोनाशिएशन है उच्चारण जो है स्टैंडर्ड आर पी नहीं है स्टैंडर्ड प्रनाउंशिएशन नहीं है इसलिए उसी की लैंग्वेज यूज़ की गई है राइटर ने उसकी लैंग्वेज यूज़ की गई किस तरह से जो मजदूर आदमी होते हैं उनकी लैंग्वेज कैसी होती है द मेसेज वांट ये मीन्स द मेसेज वांट यू यानी कि मेसेज नीड श्योर हेल्प आपकी हेल्प की जरूरत है मेरी मेसेज को बिफोर टाइम टाइम से पहले उसको बच्चा हो रहा है एंड्रू एब्रप्टली रिकॉर्ड फ्रॉम द कंटेपटेशन ऑफ हिज ऑन अफेयर्स ये सुनते ही डॉक्टर एंड्रू मैंसन जो है एब्रप्टली सडनली रिकॉर्ड रिकॉल वैसे याद करना होता है फ्रॉम द कंटेम्पलेशन कंटेम्पलेशन डीप थिंकिंग होता है गहरी चिंतन से वो एकदम बाहर आया ऑफिस ऑन अफेयर्स अपने ही मामले की यानी कि वो अपनी बिलोड से अपनी प्रेस से मिलकर आया था और ये जो श्याम थी वो डिसअपॉइंटिंग थी तो उस सोच में डूबा हुआ था और उन मामलों के बारे में ही सोच रहा था अचानक जैसे ही जो मॉर्गन ने ये कहा तो अचानक उन विचारों से बाहर निकला टोल्ड मॉर्गन टू वेट और मॉर्गन को कहा कि आप इंतज़ार कीजिए इवेंट इन टू दाउस फॉर हिज बैग वो घर के अंदर घुसा अपना बैग लेने के लिए दैन टुगेदर सेट आउट फॉर नंबर ट्वेल्व ब्लेना टेरेस और दोनों ही फिर सेट आउट रवाना होना होता है चल पड़ना होता है और दोनों ही फिर नंबर ट्वेल्व बेलना टेरेस ये जो मॉर्गन का एड्रेस था यहाँ उसका घर था यहाँ पर रहता था तो वहाँ के लिए दोनों ही चल पड़े द नाइट एयर वॉज कूल एंड डीप विद क्वाइट मिस्टी अब क्योंकि रात काफ़ी रात हो गई थी तो रात ठंडी थी और गहरी थी मिस्ट्री फुल ऑफ मिस्ट्री लग रही थी सन्नाटा सा था यूजली सो परसीव परसीव होता है समझने वाला जो परसीव कर ले परसेप्शन जिसकी अच्छी होती है यानी कि अंडरस्टैंडिंग एक तरह से सूझबूझ सोचने वाला थॉटफुल जो डॉक्टर थे वो आम तौर पर वो परसीव परसेप्टिव आदमी था परसीव कर लेता था बहुत जल्दी सोच लेता था एंड यू नो फेल्ट डल एंड लिस्टलेस लेकिन आज एंड जो है डॉक्टर जो है वो लिस्टलेस बेचैनी सी महसूस कर रहा था डल था थोड़ा सा रफ निराश सा था ही हैड नो प्रीमोनिशन दैट दिस नाइट वुड प्रू अनयूजल स्टिल लेस दैट इट वुड इन्फ्लुएंस हिज हॉल फ्यूचर इन ब्लैंडली ये है नो प्रीमोनिशन प्रीमोनिशन आइडिया रफ आइडिया उसको कोई आइडिया नहीं था उसको कोई अंदेशा नहीं था नट दिस नाइट कॉल कि यह जो रात्रि को जो बुलावा आया है डॉक्टर का वुड प्रू अनयूजल ये असामान्य साबित होगा अब नॉर्मल साबित हो जाएगा स्टिल लेस दैट इट वुड और इतना केटवुड इन्फ्लुएंस इज़ होल फ्यूचर इन ब्लैंडली ब्लली में उसके फ्यूचर को ही ये बदल डालेगा इतना उसने कभी नहीं सोचा था द टू मैन वाकड इन साइलेंस दोनों आदमी डॉक्टर एंड्र्यू और जो मॉर्गन दोनों ही साथ, -साथ चलते रहे इन साइलेंस चुपचाप चलते रहे अनटिल देर इज़ द डोर ऑफ नंबर ट्वेल्व जब तक कि वो हाउस नंबर ट्वेल्व के दरवाजे पर नहीं पहुँच गए देन जो ड्रो अपशॉर्ट तब अचानक जो जो है वो रुक गया आई एल नोट कम इन ही सेट उसने कहा कि मैं अंदर नहीं आऊँगा एंड इज वाइश शोर साइन ऑफ स्टेन स्टेन क्या होता है प्रेशर होता है दबाव होता है घबराहट होती है हेजिटेशन होती है और उसकी आवाज़ में थोड़ी घबरा घबराहट सी लग रही थी बट वैन आई नो यू वेल फॉर आस लेकिन मैं जानता हूँ कि आप डॉक्टर साहब मैन इसका मतलब यानी कि डॉक्टर डॉक्टर साहब मैं जानता हूँ कि आप बहुत हमारे लिए बहुत अच्छा करेंगे इसलिए मैं अंदर नहीं आऊँगा मैं जानता हूँ आप बढ़िया काम करेंगे पूरी हेल्प करेंगे और मैं बाहर ही रहना पसंद करूँगा नेक्स्ट पेज पर यस इन ए नैरो स्टेयर अप टू ए स्मॉल बेडरूम और अंदर एक तंग जो चेयर स्टेयर है सीढ़ी जो है अप टू ए स्मॉल बेडरूम वो ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर पे जा रही थी वहाँ एक स्मॉल बेडरूम था क्लीन था ये बेडरूम बट पुअरली फर्निश्ड साफ सुथरा था लेकिन इसमें इसका जो फर्निश किया गया था इसको सुसज्जित जो किया गया था वो पुअरली किया गया था क्या का मतलब घटिया निम्न स्तर का इसमें सामान था एंड लिट ओनली बाई एन ऑयल लैम्प और इसमें केवल एक ऑयल लैम्प तेल का दिया या लैम्प जल रहा था हेयर मिसिज मॉर्गनस मदर और वहाँ पर मिसिज मॉर्गन जिस औरत को बच्चा होने वाला था वो मिसिज मॉर्गन थी उसकी मदर भी वहीं थी टॉल एक लंबी सी औरत थी वो ग्रे हेयर्ड वोमेन, सफ़ेद बालों वाली औरत थी ऑफ नियरली सेवेंटी लगभग सत्तर वर्ष की एंड द स्टाउट एल्डरली मिडवाइफ़ और मिडवाइफ जो थी जो दाई होती है जो मिडवाइफ़ होती है दाई बोलते हैं उसको जो बच्चे के बर्थ में हेल्प करती उसको है उसको मिडवाइफ़ बोलते हैं वो स्टाउट वो हेल्दी थी मोटी थी एल्डरली अधेड़ उम्र की थी बिसाइड द पेशेंट वो पेशेंट की साइड में बैठी थी वॉचिंग एंड्रयूज़ एक्सप्रेशन एज ही मूड अबाउट द रूम और उसने शी वाज वॉचिंग वह देख रही थी एंड्रयूज़ एक्सप्रेशन एंड्रयू के एक्सप्रेशन चेहरे के भाव पड़ रही थी जैसे ही डॉक्टर एंड्रयू कमरे में इधर उधर टहलने लगे ऊपर बेडरूम में गए तो वो मिडवाइफ जो है वो डॉक्टर एंड्रू के चेहरे के भाव पड़ रही थी कि क्या महसूस कर रहा है डॉक्टर लेट मी मेक यू ए कप ऑफ टी डॉक्टर the former द फॉर्मर क्विकली आफ्टर moments, मोमेंट्स आफ्टर few मोमेंट्स कुछ क्षण के बाद जो फॉर्मर फॉर्मर किसके लिए यूज़ हुआ है मिसिज मॉर्गन की मदर के लिए है दो यूज़ हुए हैं यहाँ पर दो नाम मिसिज़ मॉर्गन मदर और दूसरी जो है मिडवाइफ है तो फॉर्मर मिसिज मॉर्गन की मदर और लेटर जो है वो मिडवाइफ़ है तो यानी कि मिसिज मॉर्गन के मदर ने तुरंत कहा कि डॉक्टर साहब मैं आपके लिए एक चाय का कप बनाती हूँ यानी कि चाय बनाती हूँ एंड्री स्माइल्ड फ्रेंडली डॉक्टर एंड्रू है ये बात सुनकर थोड़ा सा हल्का सा मुस्करा है ही साट द ओल्ड वुमेन वाइज इन एक्सपीरियंस इड लाइज देयर मस्ट बी ए पीरियड ऑफ वेटिंग दैट सी वॉज़ अ फ्रेंड ही वुड लिव द केस सेंग ही रिटर्न लेटर एंड जो था वो बड़ा थोड़ा सा मुस्कराया और उसने महसूस किया उसने देखा कि ओल्ड वूमेन जो है जो बूढ़ी औरत है जो मिसिज़ मॉर्गन की मदर है वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है काफ़ी अनुभवी औरत है उसने ये महसूस किया होगा कि अभी बर्थ में काफ़ी टाइम है इसलिए कभी डॉक्टर इस केस को छोड़कर चला जाए इसलिए उसने डॉक्टर को रोकने के लिए ये कहा कि मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ डोंट फ्रेट मदर आई विल नॉट रन अवे ये महसूस करते हुए डॉक्टर ने कहा डॉक्टर एंड्रू ने कहा कि मदर आप फ्रेट ना करें आप वर्री ना करें आप चिंता ना करें मैं कहीं नहीं दौड़ कर जा रहा मैं कहीं नहीं भागूंगा डाउन इन द किचन ही ड्रिंक द टी वे सी गेम हिम अब दोनों नीचे किचन में जाते हैं डाउन स्टेयर आ जाते हैं वो ग्राउंड फ्लोर पे आ जाते हैं ग्राउंड फ्लोर पे उनका किचन था वहाँ डॉक्टर डॉक्टर को चाय पिलाई जाती है मिसेस मॉर्गन की मदर ने उसके लिए डॉक्टर के लिए चाय बनाई और डॉक्टर ने चाय पी ओवर रोड ही वाज ओवर रोड टायर्ड होता है जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर है वो टायर्ड था थका हुआ था रात के बारह बज चुके थे थी वी इवन एन स्लीप इफ ही sleep, वेंट होम वो जानता था कि अगर वो घर जाता है और दोबारा से आता है तो एक घंटे की नींद भी घर नहीं ले पाएगा क्योंकि रास्ते में जाना फिर वापस आना और घर रुकना इतना टाइम नहीं था ही न्यू टू दैट द केस एयर वुड डिमांड ऑल हिज अटेंशन वो ये भी जानता था कि यहाँ पर जो केस है उसमें उसे पूरे अटेंशन की जरूरत थी पूरे ध्यान की जरूरत थी ये केस जो था वो कॉम्प्लिकेटेड था उसे पूरी कोशिश करनी पड़ेगी ए क्योर लेथारजी ऑफसेपरेट के एम अपॉन हिम लेथार्जी, लेथार्जी आलस्य होता है लेजीनेस एक विचित्र सी क्यूर स्टेंज होता है एक विचित्र सा आलश्य उस पर छा गया ही डिसाइड टू रिमेन अनटिल एवरीथिंग वॉज़ ओ ओवर और डॉक्टर ने ये डिसाइड किया कि वो वहीं पर रहेगा जब तक कि मामला ख़त्म नहीं हो जाता एवरीथिंग वाज ओवर मीन्स जब तक कि बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तब तक डॉक्टर ने ये डिसाइड किया कि वो यहीं पे रहेगा इसी घर में रहेगा पेशेंट के पास ही रहेगा एन एनआवर लेटर इवेंट अप स्टेयर अगेन एक घंटे के बाद वो फिर से ऊपर जाता है बेडरूम में जाता है चेकअप करने के लिए जाता है नोटेड द प्रोग्रेस मेड और जो प्रोग्रेस हुई थी वो प्रोग्रेस नोट करने लगा है यानी कि बच्चे के जन्म में कितना टाइम बाकी था ये उसने चेक किया केम डाउन वंस मोर एक बार फिर से वापिस आ गया सेट बाय द किचन फायर किचन फायर रसोई में जो आग जल रही थी वहाँ आग के पास वो बैठ गया इट वाज स्टिल आग जो थी वो शांत थी एक्सेप्ट फॉर द रसल ऑफ इस सिंडर इन द ग्रेट ग्रेट अंगीठी होती है सिंडर कोल होता है जलता हुआ जो कोयला होता है उसको बोलते हैं रसल फड़फड़ाना होता है पत्तों की आवाज़ को भी जैसे कड़कड़ की आवाज़ पत्तों की आवाज़ जो होती है तो एक कोयला जो है ग्रेट में अंगीठी में थोड़ा तड़क रहा था उसकी आवाज़ आ रही थी द स्लो टिक टक टिक टॉक ऑफ द वाल क्लॉक और वाल क्लॉक जो दीवार घड़ी थी उसमें किचन में उसकी टिक टॉक की आवाज़ उसकी टक टक की आवाज़ आ रही थी नो देर वॉज एन एदर साउंड नहीं एक और साउंड भी थी वहाँ एक और आवाज़ भी आ रही थी द बीट ऑफ मॉर्गन फुट स्टेप्स एज ही प्लेसड इन द स्ट्रीट आउटसाइड मॉर्गन जो मॉर्गन जो बाहर गली में पेसिंग कर रहा था इधर उधर जा रहा था चहलकदमी कर, कर रहा था जो इंतज़ार कर रहा था उसके कदमों की जो बीटिंग साउंड थी वो आ रही थी द ओल्ड वुमेन अपोजिटि सैट इनर ब्लैक ड्रेस उसके सामने जो बूढ़ी औरत थी जो मिसिज मॉर्गन की मदर थी वो ब्लैक ड्रेस में काले कपड़े पहने बैठी थी क्वाइट मोशनलेस बिल्कुल चुपचाप कोई मोमेंट नहीं कर रही थी मोशनलेस थी कोई मोमेंट नहीं कर रही थी आरइज स्ट्रेंजली अलाइव एंड वाइज प्रोबिंग नेवर लिविंग हिज फेस और उसकी आंखें जो थी वो स्ट्रेंजली अलाइव एकदम अलर्ट थी वाइज दिमाग लगा रही थी वो औरत प्रोबिंग जांच कर रही थी नेवर लिविंग हिज फेस और डॉक्टर के चेहरे से उसकी नज़र बिल्कुल खट नहीं रही थी कहने का मतलब वो बूढ़ी औरत बिल्कुल डॉक्टर के चेहरे पर नज़र गड़ाई बैठी हुई थी वो देख रही थी कि डॉक्टर क्या सोच रहा है किस मंथन में डॉक्टर लगा हुआ है कहीं केस कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है हिज थॉट्स वर हैवी मडल्ट अब डॉक्टर के बारे में बताया जा रहा है कि डॉक्टर के जो विचार थे वो हैवी थे दिल उसका भारी था मडल वो उलझा उलझे हुआ था यानी कि उसमें उसके माइंड में उलझन थी पजर्ड था वो द एपिसोड ही एड विटनेस्ड एट कार्डिफ स्टेशन स्टिल ऑब्सस्ड हिम मॉर्बिडली जो घटना एपिसोड इंसिडेंट ही एड विटनेस जो उसने ऑब्जर्व की जो देखा एट कार्डिफ स्टेशन कार्डिफ स्टेशन पे जो उसने जो घटना देखी स्टिल वो घटना अभी भी ऑब्जेस्ट हिम मॉर्बिडली मॉर्बिडली का मतलब एक ये डिजीज के लिए होता है एक बीमारी की तरह उसका पीछा कर रही थी ये घटना ही थोट ऑफ ब्रैम वेल उसने ब्रैम वेल के बारे में सोचने लग गया हु आज फुलसली डिवोटेड टू ए वूमेन वूमेनिव हिम सोर्डिडली हुज ये जो ब्रह्मवेल जो है उसके बारे में सोचने लगा जो मूर्खतापूर्ण ढंग से डिवोटेड समर्पित था टू तो ए वूमेन एक औरत के प्रति हु डिसिव्ड हिम और उसी औरत ने उसको धोखा दे दिया था सोलडेडली so अनैतिक रूप से इमोर्टल वे होता है इमोरल सॉरी नॉट मोर्टल बट इमोरल यानी कि जो नैतिक अनैतिक रूप से उस औरत ने बड़ी नीचता के साथ कहने का मतलब उस औरत ने ब्रैमवेल को धोखा दिया और ब्रैमवेल उस औरत के प्रति फुली डिवोटेड था फुली डेडिकेटेड था लिविंग अनहैप्पी सॉरी ऑफ एडवर्ड पेज उसने डॉक्टर एडवर्ड पेज एडवर्ड पेज वही डॉक्टर है उसके बारे में सोचा बाउंड टू द्रेविस ब्लॉडवेन बाउंड टाइड टू द्रेविस ब्लोडवेन श्रेविस झगड़ालू होती है क्वारसम लेडी होती है ब्लॉडवेन नाम की जो औरत थी यानी कि डॉक्टर पेज की जो वाइफ थी प्लोडवन वो बड़ी झगड़ालू लू लेडी थी ऑफ डैनी अब उसने डैनी के बारे में सोचा लिविंग अनहैप्पीली जो बड़ा दुखी रह रहा था अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ अपनी वाइफ से अलग होकर यानी कि उसने जितने भी सीन देखे उनमें यानी कि जो भी कपल थे वो बड़े दुखी थे उनमें हस्बैंड जो था वो दुखी था तो ये बात सोचकर वो दुखी हो रहा था क्योंकि वो अपनी ब्लॉड क्रिस्टाइन से अभी शादी करने वाला था तो उस विचार लगा रहा था सोच रहा था कि शादी की जाए या नहीं की जाए कहीं शादी होगी तो ऐसा फेस तो नहीं करना पड़ेगा कहीं उसकी जो ब्लॉड है उसको छोड़कर चली तो नहीं जाएगी या सर्विस तो नहीं होगी झगड़ालू तो नहीं निकलेगी या बाद में डाइवोर्स वाली नौबत तो नहीं आ जाएगी हिज रीजन टोल्ड हिम दैट ऑल दीज मैरिजे वार डिसमल फेलियर अब उसका जो तर्क शक्ति थी उसका जो दिमाग था तार्क मन ने तर्क किया कि ये सभी शादियाँ डिसमल फेलियर बेडली बुरी तरह से फेल हो गई थी यानी कि ही केम टू द कंक्लूजन दैट ऑल दीज मैरिज़ वार टोटली कम्प्लीटली फेलियर वो इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि ये सभी शादियाँ असफल रही कहने का मतलब जो तो उसकी भी शादी जो है वो फेल हो सकती है इट वॉज़ ए कंक्लूजन विच इन हिज प्रेजेंट स्टेट मेड हिम विंस और विंस का मतलब दुखी यहाँ पर और इस कंक्लूजन से वो और ज़्यादा दुखी हो गया उसकी इस सिचुएशन को एट प्रजेंट वो दुखी हो गए ही विन्स टू कंसिडर मैरिज एज एन इडलिक स्टेट इडलिक जो स्टेट होती है इसका मीनिंग होता है प्लेजर स्टेट वो शादी को एक खुशी खुशी समझता था ख़ुशी वाली सिचुएशन समझता था यस कुड नॉट अदरवाइज़ कंसिडर इट विद द इमेज ऑफ क्रिस्टाइन बिफोर हिम हाँ वो क्रिस्टाइन जो उसकी बिलाउड थी उसकी इमेज अपने सामने लेकर यानी कि अपने बिलौड़ के साथ शादी की बात को लेकर वो कभी भी दूसरे तरीके से नहीं सोचता था वो ये सोचता था कि जब क्रिस्टाइन से उसकी शादी हो जाएगी तो वो एडलिक स्टेट में होंगे यानी कि प्लेजर उनका लाइफ जो है फ्लो प्लेजर होगा जीवन खुशियों से भर जाएगा और आइज साइनिंग टुवर्ड्स हिम यस और लेकिन पीछे अब उसने तीन लोगों की शादियों के बारे में सोचा और वो तीनों ही जो शादियाँ थीं जो बैडली बुरी तरह से फेलियर हो गई थी तो इसलिए कभी कभी माइंड में ये भी आता था कि कहीं ऐसा न हो मेरे साथ भी कहीं ऐसा न हो जाए ये वो सोचता था यानी कि उसके साथ भी ऐसा न हो जाए ये वो सोचता था डॉक्टर तो इसलिए एक द्वंद चल रहा था एक ड्यूल चल रहा था इसलिए मडल्ड था माइंड उलझा हुआ था शादी करे या नहीं करें हराइज साइनिंग ट्वाड हिम अब म, उस लेडी के बारे में बताया जा रहा है जो जो मॉर्गन है मिसिज मॉर्गन जो है उसकी मदर जो है उसके बारे में हराइज उसकी आंखें साइनिंग ट्वाड हिम उसकी और चर, चमक रही थी एडमिटेड नो अदर कंक्लूजन यस नहीं ये हर आइज़ यहाँ पर उसकी ब्लॉड क्रिस्टाइन के लिए आया है यानी कि जब वो क्रिस्टाइन की इमेज अपने सामने रखता था तो उसकी आँखों में उसे हमेशा चमक दिखाई देती थी एकदम शाइनिंग दिखाई देती थी क्रिस्टाइन की आंखों में उसे हमेशा साइनिंग नज़र आती थी एडमिटेड नो अदर कंक्लूजन और उसको देखकर वो किसी भी कंक्लूजन को किसी भी निष्कर्ष को स्वीकार नहीं करता था यानी कि यहाँ डॉक्टर की बात है डॉक्टर अपने बिलोव की की तस्वीर जब अपने सामने लाता था तो उसे लगता था कि नहीं उसकी वाइफ उसको धोखा नहीं देगी इट वॉज़ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज लेवल डाउटिंग माइंड एंड हिज़ और फ्लोइंग हार्ट विच लेफ्ट हिम रिजेंटफुल एंड कन्फ्यूज इट वॉज कन्फ्लिक इट वॉज द कन्फ्लिक्ट कन्फ्लिक्ट होता है द्वंद झगड़ा ड्यूल बिटवीन हिज लेवल डाउटिंग माइंड यहाँ उसका जो डाउटिंग माइंड था और इसका ओवरफ्लोइंग हार्ट जो प्यार से लबालब दिल भरा हुआ था यानी कि दिल और दिमाग के बीच में ड्यूल चल रहा था कभी ऐसा न हो जो है दिल है वो ये सोचता था कि यस बिलौड उसकी बिलौड के साथ क्रिस्टाइन के साथ उसकी जो शादी होगी लाइफ जो होगा वो एक सक्सेसफुल होगा लेकिन दिमाग कभी कभी ये कह देता था कि और लोगों का जो हुआ है हाल वो उसका भी हो सकता है और इससे विच लेफ्ट हिम रिजेंटफुल एंड कन्फ्यूज इससे वो कन्फ्यूज हो गया थोड़ा सा खिन्न हो गया दुखी हो गया ही लेट इज चिन सिंक अपॉन इज चेस्ट अब क्या हुआ धीरे धीरे उसको नींद आने लगी और उसकी जो ठोड़ी है चिन जो है वो चेस्ट पे टिक गई स्टेच्ड आउट इज लेग्स उसने अपने पैरों को फैला लिया स्टेयर ब्रूडिंगली इनटू टू फायर और आग की तरफ ब्रूडिंगली सोचने की सी मुद्रा में आग की ओर देखने लगा ही रिमेंड लाइक दिस सो लॉन्ग काफ़ी देर तक इसी पोस्चर में वो वहाँ किचन में रसोई में बैठा रहा एंड इज थॉट्स वर सो फिल्ड विद क्रिस्टाइन दैट ही स्टार्टेड व्हेन ही व्हेन द ओल्ड वुमेन अपोजिट सडनली एडजस्ट हिम और क्रिस्टाइन उसके ब्लाउड के बारे में उसके विचार उस पर इतने हावी हो गई वो इतना ज़्यादा लीन हो गया एब्जोर हो गया उसके विचारों में कि जब बूढ़ी औरत ने जो उसके सामने बैठी थी जब उसको पुकारा तो एकदम चौंका हर मेडिटेशन हैड परसूड ए डिफरेंट कॉर्स उसकी जो चिंतन शक्ति थी उसका जो चिंतन था उसने एक अलग डायरेक्शन ले ली थी यानी कि वो दूसरी दिशा में सोचने लग गया था Okay, students, this is the end of this video. The remaining part of the lesson will be discussed in the next video.